हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स बेबी पीहू भावसार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फाइन मोटर स्किल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी बेटी पॉम पॉम डाल रही है एक छोटे से बॉक्स में। इससे उसके हाथों का यूज़ हो रहा है, फिंगर्स का यूज़ हो रहा है, जिससे उसकी फाइन मोटर स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो रही है। ऐसी DIY आप घर में बना सकते हैं बहुत सारी, ताकि बच्चा किसी ना किसी तरह बिजी रहे। वैसे भी अगर वो फ्री रहेगा बच्चा, तो आपको कहेगा कि मुझे खिलाओ या कुछ भी, तंग करेगा। पर अगर वो ऐसे बिजी रहते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है और उनकी डेवलपमेंट भी होती रहती है। फाइन मोटर स्किल्स हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तो आपको पता ही होगा। अगर बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स अच्छी हैं तो वो लिख सकता है, वो लिखने में थकता नहीं है। वो आपको ये नहीं कहता कि मम्मा मैं थक गया हूँ, मैं अब और नहीं लिखूँगा। ये सेकंड जो आप देख रहे हैं, ये इसके 5 व्हील्स हैं जो इसमें डाल रही है सर्कल्स, ये भी इसकी फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। प्लस इसके कलर्स में भी आते हैं, क्योंकि इसको इससे कलर्स आइडेंटिफाई हो जाता है, ब्लू, ग्रीन, येलो। हाँ, अगर फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की अच्छी है तो वो लिखता है, वो थकता नहीं है। वो आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि मम्मा मैं थक गया हूँ। बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कराना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो थर्ड आप क्लिप देख रहे हैं, इसमें भी इसकी फाइन मोटर स्किल्स हो रही है अच्छी। इसमें प्लस एक और चीज़ है कि ये मैंने गुल्लक का यूज़ किया, जो कि मैंने बाहर से खरीदी है। आप चाहो तो एक डिब्बा घर में बनाओ, लाओ, मतलब कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा हो या आपका इसका कार्डबोर्ड का डिब्बा हो, उसमें आपको ऊपर सिर्फ एक लंबा सा छेद करना है। वो आप चाकू से, छुरी से या किसी भी चीज़ से कर सकते हो इजीली। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी एक फ्री में DIY हो जाएगी। उसको कुछ कॉइन दे दीजिए, वो उसमें डालता रहेगा, उसके जो फिंगर्स हैं उनकी एक्टिविटी होती रहेगी। हाँ, लेकिन अगर आपका बच्चा सब कुछ मुंह में डालता है तो आप उसके पास ज़रूर बैठिएगा, और नहीं तो उसे नहीं दीजिएगा। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, पर आई थिंक बैठना अच्छा है। अब जो एक्टिविटी आ रही है ये भी वही है। मेरे पास बॉक्स पड़ा था, मैंने ऊपर एक छोटा सा छेद कर दिया है, लंबा पतला सा। ये इसमें पॉपसिकल स्टिक्स डाल रही है, जो कि मैंने मार्केट से परचेज की थी, 45 रुपीज़ की आई थी ये। मेरी बहुत सारी थी, नंबर ऑफ पीसेज मुझे अभी तो याद भी नहीं है। हाँ, ये इसमें बार बार डालती रहेगी। इससे इसको क्या फ़ायदा होगा, इसकी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी फाइन मोटर स्किल्स की, और इसको मज़ा भी आता है ये सब करने में। अगर इसको एज ए एक्टिविटीज़ नहीं दी जाए तो ये कहेगी मम्मा गोदी उठाओ, मुझे बाहर लेके जाओ। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग घर में ही रहें और बच्चे को नई नई अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ देते रहें। बच्चों के लिए जितनी ग्रॉस मोटर स्किल्स इंपॉर्टेंट है, उतनी फाइन मोटर स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें बच्चे के पूरी बॉडी का यूज़ होता है, उसके बड़े जो जैसे हाथ हो गए, पाँव हो गए, शोल्डर्स हो गए, वो भागेगा, उस वो भी ग्रॉस मोटर स्किल्स है। वो बड़ी बॉल को फेंक रहा है, वो भी ग्रॉस मोटर स्किल्स है। वो ज़मीन से कुछ इकट्ठा कर रहा है, झुक रहा है, खड़ा हो रहा है, वो भी ग्रॉस मोटर स्किल्स है। तो इस तरह से बच्चे की ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, इससे भी ज़्यादा अच्छी। और हाँ, अभी रुकिएगा नहीं, आगे एक और मोटर स्किल्स है जो मेरी बेटी कर रही है। स्टिकर उतार कर वो कॉपी में पेस्ट कर रही है, वो भी बच्चे की जो है फाइन मोटर स्किल्स में आता है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और एक और टॉय है उसके पास, उसमें वो अंदर डालेगी, वो भी फाइन मोटर स्किल्स में आता है, उसको भी देखिएगा। तो बने रहिए साथ, स्टे ट्यून्ड।